बक्सर की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं CNB न्यूज। आपको रखे आगे आपका अपना। अपने विवादित बयान के कारण भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव इन दिनों सुर्खियों में है। ताजा मामला बक्सर से जुड़ा हुआ है, जहां एक स्थानीय गायक पंकज सिंह द्वारा खेसारी का नाम लेकर एक गाना गाए जाने पर खेसारी लाल यादव के समर्थकों ने विरोध जताया और गायक को पकड़कर जबरन उसके साथ मारपीट कर फेसबुक पर उससे माफी मंगवाई। इस घटना के बाद पीड़ित गायक पंकज सिंह द्वारा स्थानीय नगर थाने में पहुंचकर खेसारी लाल यादव के समर्थकों के विरुद्ध मामला दर्ज कराए जाने की बात कही गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर कई घंटों तक थाने के बाहर मजमा लगा रहा, जिसके कारण पुलिस भी हल कान रही। हालांकि मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़ित युवक ने पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी, जिसके कारण पुलिस ने भी मामले को अपना पल्ला झाड़ दिया। बताया जा रहा है कि दबाव के कारण पीड़ित गायक ने सुलह कर लिया, जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन खेसारी लाल यादव के समर्थकों द्वारा युवक के साथ जबरन मारपीट कर और फेसबुक पर ही माफी मंगवाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं। यहां तक भी कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के दबाव के कारण पीड़ित गायक को समझौता करना पड़ा, जिसके कारण उसके थाने में पहुंचने के बाद भी पुलिस को लिखित आवेदन नहीं दिया गया। इस कारण यह मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। हुआ कि वहां से मुझे उठा के ले जाया गया होटल में, यहां पे मटका खाने का मतलब अपहरण। जी सर। अच्छा जी सर। और उसके बाद उसके बाद वहां जब मैं देख लिया माहौल कि मेरे लोग नहीं है, फिर मुझे ले जाया गया एक स्टूडियो पे। अच्छा। वहां बोला कि भैया देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे जा नहीं सकते हैं और इतना लोग हैं, मैं रह भी नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने 50 रुपया दिया, तो मुझे लगा कि इन लोगों ने जाने देंगे मुझे। फिर वहाँ पे धमकी मिलने लगा कि 5 किलोमीटर जाओगे तुमको गोली मार दिया जाएगा, इससे अच्छा यहीं रहो तुम, तुमको यहीं से हम लोग जो कर रहे हैं देखते रहो। कौन कौन लोग थे पहचानते? दिलेश कश्यप थे और उनके जितने भी गुर्गे थे उनके साथ थे। और किसी का नाम आप जानते हैं? जी के वो लाइव में आके मुझसे बात किया करते थे, जो लाइव में किए हैं बात। विवेक सिंह का नाम है। जी सर। ये सब काम किसके इशारे पर हो रहा है? ये तो काम वही खेसारी लाल दिया है। अच्छा, आप गाना क्यों गाना पड़ा? आपको क्या मजबूरी होगी? मजबूरी हो गई कि लगातार लड़कियों का नाम लेकर लड़की का नाम रख रख के गाने में लोग गाने लगा, कोई विरोध नहीं किया। तो मैं भी इस चीज को लाया कि देखिए अब किसको लगता मतलब है कि गलत हुआ है। गाने में आपके परिवार का भी गाना गाया गया? जी, अब मैं टोटल लड़की मेरे परिवार की लड़की है, नाम है इतना किसी की लड़की मतलब है। आपकी भी घर के कोई बहन बेटी है, उसका नाम लिया था क्या? जी, जितना नाम अब बोलिए लड़की का, मेरे भाई हैं सब, किसी ना किसी का होगी, बहन का नाम, माँ का नाम होगा। इसी को लेकर के आप खेसारी के बेटी पर गाना गा दिए ना? जी, बस हम लोग यही थीम लेके चले थे, लेकिन ये चीज को हम नहीं सोचे थे कि आगे बढ़े बात। आपको बताते चले कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें खेसारी लाल यादव ने चैनल और पत्रकारों के साथ साथ वैसे तमाम लोगों को धमकाया था और कहा था कि किसी ने भी मेरी खबर बिना पूछे चलाई तो उसे पूरे खानदान के साथ बर्बाद कर दूंगा। मैं किसी को बांट के बातें कर रहा हूं, सबकी बातें कर रहा हूं कि कोई भी आदमी मेरे खिलाफ अगर कोई भी चीज मेरे नाम से अगर उसने चैनल को या मेरे न्यूज बनाया, मेरे फोटो डालकर न्यूज बनाया, तो मैं पूरे खानदान को बाट लगा सकता हूं। ये दिख रहा होगा, ये भारत सरकार का है, ये भारत सरकार का है। जिसको नहीं दिख रहा है भाई, देख लेना एक बार, बढ़िया से देख लेना, जो पढ़े लिखे हैं वो देख लेंगे, इसको हम लोग पब्लिक डाल देंगे। और ऐसे में इसको पब्लिकली करने वाला हूं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे जो भी है और जो भी मेरे पे कोई भी नेगेटिव न्यूज जो भी बनाया, बहुत प्यार करूंगा उसको मैं, इतना प्यार करूंगा कि शायद उस मेरे प्यार से तबाह हो जाएगा। ये क्लियर जान लो आप, चाहे वो कोई भी हो, आप हमें प्यार करते हो, अच्छा लगता है। मामले में पूछे जाने पर बक्सर SP नीरज कुमार सिंह ने बताया कि मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक गायक द्वारा थाने में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। अगर ऐसी कोई बात है
तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन थाने में पीड़ित गायक द्वारा कोई भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराए जाने के कारण यह मामला अब पूरी तरह से ठंडा पड़ गया है। खेसारी लाल के समर्थकों पर एक स्थानीय गायक के साथ मारपीट का आरोप है, अभी तक जानकारी मिल पाई? अभी तक जानकारी कल तक जो है कि हम लोगों से पूछा जा रहा था, लेकिन कल तक जो है कि ना हम लोगों के पास वीडियो आया था, ना जो है कि पीड़ित पक्ष के तरफ से कोई व्यक्ति या पीड़ित पक्ष हम लोगों के पास आए थे। सिर्फ मीडिया के माध्यम से ये पूछा जा रहा था कि क्या इस तरह का कोई घटना घटित हुआ है, प्राथमिकी दर्ज किया गया है कि नहीं किया गया है। हम लोगों ने भी स्पष्ट रूप से बोला कि ना तो उसका उनका वीडियो हम लोगों के पास आया है और न ही पीड़ित पक्ष की तरफ से भी कोई आदमी दिया है। अभी जो है कि आपके माध्यम से जो है कि हमें जानकारी हुई है कि नगर थाना में इस संबंध में कोई प्रतिवेदन दिया गया है पीड़ित पक्ष के द्वारा, तो उस संबंध में जो है कि हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और जो भी उनके साथ हरासमेंट हुआ है और जिन व्यक्तियों के द्वारा किया गया है उनकी अविलंब जो है कि समुचित जो है कि कार्रवाई उन पर हम लोग करेंगे। में भी चल जाए से केहू कलाकार नहीं हो सकत, गंदा गीत गा के केहू कलाकार नहीं हो सकत, वो कलाकार हो सकता, कलाकार वह हो सकता जो अपना बढ़िया गीत से समाज के कुछ देले होके, समाज के कुछ बनौले होके, समाज के जुआ पीढ़ी के देले होके, अपना गीत से कौन संदेश देले होके। बकिए मिलियन व्यू जाए वाला के हम कौन न कलाकार मानी ला, न मानब, न भोजपुरिया समाज मानी। एगो ही मैटर उठ के आइल बटे जी, खेसारी लाल यादव के ऊपर बटे जी, क्योंकि वो बेटी पर गाना गावल गई बटे, नया कलाकार बन पंकज जी द्वारा गावल बा, उगा के रख के भी मारल भी गइल बटे। एकरा मेरे बता देखिए, अगर पंकज गीत गौले बन तो सरासर अपराध बा, गलत बा, केहू के बेटी पर गीत नहीं गावल जा सकत। अगर उनका संग मारपीट कल गई बा वह अपराध बा, अगर गलत गीत गौले बन तो कानून के शरण लेवे के चाहिए, कानून के तहत काम करे के चाहिए। केहू के न पीटे के अधिकार बा, न केहू के बोले के अधिकार बा, न केहू के डांटे के अधिकार बा। अगर खेसारी लाल भी नहीं, खेसारी लाल जी गौले होकर चाहे केहू गौले, अगर गलत गीत गौले बात तो सीधे सीधे परिणाम गलत हुई, एगो चीज जान ली। अइसन थोड़े बाकी खेसारी लाल जी गलत गीत कहल जी कि बढ़िया गीत गौले बन, अगर खेसारी लाल जी गलत गीत गौले बन तो गलत बा। दवा ठोक के कहते नहीं हम कि अगर केहू कलाकार गंदा गीत गौले बा तो गलत बा, एकदम गंदा गीत गावल खराब बा। ऐसे कि गंदा गीत से समाज जरता, समाज बर्बाद होता, आज जुआ पीढ़ी मानसिक रोगी हो चुकल मन गंदा गीत से, ओकर देन यही लोग के हाँ, दोसर केहू के ना, जे भी अश्लील गीत गा होता ओकर बहिष्कार जरूरी बा, होत रहे। पंकज थाना में भी आएल आज बक्सर के नगर थाना में जी, पता चलल ओकर बात के रिपोर्ट लिखे मालूम कि का बैल पंकज थाना में, न्यूज के माध्यम से हमारा पता चल रहा कि पंकज आयल बन थाना में एफ आई आर करे, ओकर बात के अपडेट न्यूज लिखे कि का बैल मामला चाहिए, बिल्कुल होके चाहिए, ये तो कानून अपराध बा, का अपराध ना का एफ आई आर होके चाहिए। अगर गलत बा तो एफ आई आर होके के चाहिए, ऐसे के अगर एफ आई आर ना हो कल मामला बढ़त जाए, हम दबा के साथ कहते हैं ना एफ आई आर होके के चाहिए। खेसारी लाल के एगो वीडियो भी आई लाइव में जी, जो कि वहाँ के दबंग जी से बात करे बने पत्रकार के गोरम बोलत है। देखिए एकदम गलत बात, जे कानून के बाहर जाके केहू बोली वो गलत बा, मांस एक चीज जान ली कि कानून के बाहर केहू के बोले के अधिकार नहीं है, अगर बोले के अधिकार है तो फिर कानून बनल काहे खातिर बा, संविधान बनल काहे खातिर बा, जे भी बोले अपना कानून के तहत बोल सकता, संविधान के तहत बोल सकता, और संविधान और कानून से जे भी बाहर बोलत होके वो बिल्कुल खराब बा, उधर अपराध बा। देखिए हम तमाम लोगों से कहब, नया पीढ़ी से लेके पुराना पीढ़ी से लेके जो अपना कष्टार कहते ओकरों से कहब, हाथ जोड़ के नहीं होरा करब कि बढ़िया गीत गाई, बढ़िया गीत सुनाई, समाज में बढ़िया संदेश फैलाई, भोजपुरी के आठवें सूची में पहुँचाई। हम राइटर से भी यह बात कहब, बढ़िया गीत लिखी, बढ़िया संदेश फैलाई, भोजपुरी के आठवें सूची में पहुँचाई। गंदा गीत लिखब तो राउर काला सूची में नाम लिखल जाइ, हम एगो सूची बनावे जा रहे काला सूची, जौन में कलाकार, स्टूडियो आ राइटर तीनों के सूची बनावे जा रहे बनी, ओकर नाम प्रचारित करब, ओकर हर जगह ब्लैकबोर्ड पर नाम लिखब कि भोजपुरी के कहतन कि देले बनी कि देले निकन, भोजपुरी के बर्बाद कैले बन, काला सूची तैयार होके वाला बा, काला सूची में नाम दर्ज कर गई। हम करीब 18 लोग पे एफ आई आर कैले बनी, ओकरा पर कानूनी कार्रवाई चल रहा बा, कानून कार्रवाई हुई भी एकदम निश्चित, कानून हमारा अगर आई नजर में तो कानूनी कार्रवाई होबे करी चाहे केहू हो। जी नंद कुमार तिवारी, भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भोजपुरी करे पुकार, जो ना कि हम आंदोलन चलाओ तनी ओकरा से अध्यक्ष। नमस्कार प्रणाम, आप सबके भाई अखिलेश कश्यप और हमारे पंकज, तो बात ये रहे कि हम लोग तनी भाई जवान जो भाई
कनी दिन खातिर अंधविश्वास हो गई हमनी के बीच में, और ये बात इतना फैल गई कि अब भाइयों के दोस्त ना रहे कि हमें कोई हमारा कि ये धमकी देश भई ऐसा कि कोई फाइनो देता कि वो अपनों आदमी देता है भाइयों के यहाँ धमक के कोई बड़ बात नहीं किया भैया की हम फिर बने भैया हमारे की हमारे सही बात बात तेजी खत्म किया हमने के और केहू के मजा लेने के जरूरत नहीं है कि जान मार दे चाहे जान उनका जान के खतरा बे में हम लोग भाई नॉर्मल बात भी अब है कि हमारे की यहाँ जितना भाई हुई धमकी आई बटे बर्बाद कर दी भाइयों की यहाँ तो मान लो उन्हीं टाइप की क्या बिल्कुल जान की धमकी कहाँ दिल बढ़े पिताजी हैं, मामा हैं हमारे, तो और यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है, तो इंडस्ट्री में भी हम ये बोलना चाहेंगे प्लीज इस विवाद को कुछ विवाद बनाइए मत, ये खत्म हो चुका है। हम लोग बहुत अच्छे से पंकज से भी माफी मांग चुके हैं, पंकज भी हम लोग से माफी मांग चुका है, खेसारी भैया भी बोल चुके हैं कि हाँ चलो जो हो गया गलती बाबू माफ करो। अब भैया को आप लोग समझिए कि हेल्प कीजिए, भाई को हेल्प कीजिए, भोजपुरी समाज को हेल्प कीजिए सबको, और विवाद वाद नहीं किया जाए। पंकज हमने के छोट भाई है और घर के अगर भुलाई लेके घरे आ जाओ तो और हमने के वे बात सॉरी बोलने बन जाए, दोनों ओर से गलती भइल बा और जितना हमने के अथा संभव हो भाई के हेल्प करब या लिखब या बाजी गाना एक में बाकी लोग के मजा ले लगे कोनो जरूरत नहीं है हमने के घर के सदस्य हैं। ये बात आप भी बोलती कोई ना ले बहुत हो गई ठीक ओके कट कर ना सब सब।